नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइक कर देना इस वीडियो को। आपके लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, हमें भी पता चलता है कि हमारी वीडियोस कैसी लगी आपको। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक नया टूल्स मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, बहुत ही बढ़िया टूल्स है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में मेरे देखा था, लेकिन ये उससे एडवांस है, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले जो मैं और वीडियोज़ में भी दिखाता हूँ, एक सेक्शन कप, जो तो टाइल उठाने के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है ये। एक क्वांटल 35 किलो की कैपेसिटी है इसकी टाइल उठाने की। तो बड़ी टाइल जैसे होती है वैसे उठाकर हमें लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और भी काफ़ी चीज़ें हम इससे उठा सकते हैं, जैसे कि स्टील प्लेट की, जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे सनमाइका लगा हो, जैसे बेड हो गया, या अलमारी हो गई, ठीक है, या फ्रिज हो गई, तो उस पर भी ये हैंडल लग जाता है, तो उसको भी आप उठा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन जो भी आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं फ्रेंड। इसकी आपको गारंटी वारंटी सब कुछ मिलता है इस प्रोडक्ट के साथ। तो आगे, ज़्यादातर जब हम लोग ग्राउट भरते हैं तो उस वक्त ज्वाइंट वगैरह खाली करने के लिए हम लोग जब साफ़ करते हैं उसको, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। ये कार्बाइड का है, आगे इसके लगा हुआ है जो, तो जैसे हमने ग्राउट भरना है तो इससे हम उसका जो ज्वाइंट है वो साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या है, जैसे हम लोग लोहे की पत्ती से जब ज्वाइंट साफ़ करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है, तो इससे कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कार्बाइड है, ये घिसता नहीं है, मतलब टाइल के ज्वाइंट बहुत बढ़िया साफ़ करता है। और ये आप जो शीशा काटने वाला हो गया या सनमाइका काटने वाले जो होते हैं, वहाँ से टूल जो मिलते हैं वहाँ से ख़रीद सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक मेज़रमेंट टूल, ठीक है, मेज़रमेंट जो है ये मल्टी एंगलर है, ये चार होते हैं स्केल, फ़िलहाल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तकरीबन, तो ये भी आप ख़रीद सकते हैं। और जैसे ये बड़ा सेक्शन कप तो मैंने आपको दिखाया, जैसे हाइलाइटर वगैरह हमने उठाना होता है, हाइलाइटर के पीस होते हैं, छोटी डब्बी होती है उसमें, तो उसके लिए ये सेक्शन कप हमने छोटा रखा हुआ है। ये एक मोबाइल होल्डर है, तो ये आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। वैसे अगर आप ख़रीदेंगे किसी मोबाइल वाली दुकान से तो ये आपको 250 का पड़ेगा। अगर वैसे अगर आप जैसे मेले वगैरह में या कई और जगह पर जैसे बाहर हमको मिल जाता है, तो वहाँ से ये तकरीबन 50-60 रुपये का या 100 रुपये के तकरीबन आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है टाइल उठाने के लिए। तो इसकी वीडियो भी बहुत सारी हैं। तो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, स्पेशली ये बॉस कंपनी का लेज़र लेवल है, बहुत ही एडवांस, बहुत ही बढ़िया लेज़र लेवल है ये। तो इसके साथ में कंपनी हमें क्या क्या देती है, और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो यह है लेज़र लेवल, 3 लाइन लेज़र लेवल है। तो जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था लेज़र लेवल, जिसके बारे में पूरी डिटेल दी थी मैंने, तो वो था GLL 3। तो ये है GLL 350X। तो बहुत ही बढ़िया ये लेज़र लेवल है, पर उससे थोड़ा कॉस्टली है ये। तकरीबन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर सकते हैं इसका प्राइस क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता रहता है। तो इसमें जो है बैटरी लगती है, सेल पड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 1.5 वोल्ट का एक सेल है, 4 सेल इसमें लगते हैं। तो इसका 24 घंटे का बैकअप टाइम है, और इसमें सेंसर सिस्टम है ऑटोमेटिक, ये 30 मिनट बाद ऑफ हो जाता है। और इसमें जो है ऑन ऑफ का बटन है, और तीसरा जो है ऑन और अनलॉक हो जाता है, अनलॉक यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक लेवल करता है। तो इसके साथ में हमें एक स्टैंड मिलता है, ये एक छोटा सा स्टैंड है, पर जो मैंने पहले लेवल दिखाया था, लेज़र लेवल दिखाया था, उसके साथ में कोई स्टैंड नहीं होता, पर लेकिन इसके साथ कंपनी हमें स्टैंड देती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ये फिट हो जाता है, और जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे अगर जगह हो तो इसको हम सेट कर सकते हैं, इसके पॉइंट से ही इसको ऊंचा कर सकते हैं। ये घूमता है तो ये ऊंचा हो जाता है इसका स्टैंड, और यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ है छोटा सा, तो इससे हम लोग इसको पहले सेंटर में कर लेते हैं, ताकि जब ये चारों तरफ इसको घुमाएं स्टैंड में तो इसका लेवल जो है वो सही आए और कोई दिक्कत ना आए। वैसे इसमें लेवलिंग, ऑटो लेवलिंग सिस्टम है, पर लेकिन ये जो इन्होंने स्टैंड दिया है ये बहुत बढ़िया है। तो अभी जैसे मैंने इसको ऑन किया, जब हम पहली बार बटन दबाते हैं, ऑन करते हैं, तो ये लॉक पोजिशन में रहता है। लॉक यानी कि आप जैसे मर्जी इसको इधर उधर कर सकते हैं। सेंसर हमें ये बताता है कि ये लेवल जो है वो आउट हो चुका है, तभी ऑन ऑफ होता है।
तो ऐसे ही लगातार जलता रहता है, तो समझ लीजिए ये अभी लेवल में है। तो अभी जैसे मैंने इसको अनलॉक कर दिया, अब ये ऑटोमेटिक लेवल में सेट हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा हिलाया, ये अपने आप अब लेवल पे सेट हो जाएगा। इसके ऊपर दो बटन दिए गए हैं, जैसे कि एक ये जो वर्टिकल लाइन आ जाती है सामने की तरफ और एक साइड पे आ जाती है, जैसे आपने उस लेवल में भी देखा था। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये, और इसका फ़ायदा यही है, ये भी है कि इसके ऊपर भी एक क्रॉस लाइन बढ़ती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक क्रॉस लाइन आ रही है, तो छत के ऊपर भी एक क्रॉस लाइन इसकी बनती है, सामने भी एक क्रॉस लाइन बनती है। तो जो पहले मैंने प्रोडक्ट दिखाया था उससे ज़्यादा बढ़िया है ये। थोड़ा कॉस्टली भी है ये, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर हमको टाइल्स लगानी हो यहाँ पे साइड पे, तो वैसे हम लोग लेवल पाइप से लेवल करेंगे या फिर जो छोटा लेवल आता है, ठीक है, उससे लेवल करेंगे। लेकिन इससे क्या है, बहुत आसान है। यहाँ से हम लोग अगर टाइल लगाते आते हैं तो यहाँ पे अगर हमें टाइल लगानी हो तो सीधा बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे साइड पे भी इसका जो है लेवल का निशान आता है। और पूरा बीम लेवल हो, जैसे मर्जी कॉलम हो, तो बहुत ही बढ़िया आप लेवलिंग कर सकते हैं। कोई आपको नील या सूत फटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिन में इसकी प्रॉब्लम आती है, जो सीधा सूरज जब पूरा रोशनी पड़ रही होती है उस वक्त इसका लेज़र जो है वो कम दिखाई देती है। लेकिन जैसे अभी आप टाइम देख रहे हैं या घर के अंदर होगा, चाहे ट्यूबलाइट जल रही हो, चाहे जितनी मर्जी लाइट हैवी हो, उसमें ये लेज़र लाइन आपको दिखाई देगी ही देगी। तो तकरीबन ये सिर्फ ऑटो डोर में ही हमें दिक्कत आती है, ऑटो डोर में ही हमें इसकी लेज़र की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इनडोर में कहीं पे भी चाहे जैसी मर्जी रोशनी हो, आपको ये लेज़र लाइन पूरी दिखाई देगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसकी कंपनी बताती है कुछ 15 मीटर इसकी कैपेसिटी है, 15 मीटर तक इसकी लेज़र लाइन जाती है। अभी तो मैंने पास में रखा हुआ है ना, जैसे मैं दूर में करूँगा तो इसकी लाइन जो है वो बहुत आगे तक जाएगी। तो शुक्रिया दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ अगर आप हमारे पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो उस ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लेज़र लेवल की परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ। जैसा कि हम लोग लेवल पाइप से लेवल करते हैं तो इसमें लेवल करना बहुत ही आसान है। दरअसल हम पैसे तो खर्चते हैं लेकिन इसका बेनिफिट भी बहुत है। कई लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि ऑटो डोर के लिए भाई ये बिल्कुल भी मतलब भी ये काम नहीं आता है, लाइंस नहीं दिखे। तो ऐसा लाइंस दिखने वाला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड्स। इसकी लाइंस सिर्फ सीधा जहाँ पे सूरज दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जहाँ पे मान लीजिए छत है ऊपर, ठीक है, चाहे आसपास की रोशनी, सूरज की आसपास की रोशनी दिखाई दे रही है तो वहाँ पर लेज़र इसकी दिखाई देगी। बस डायरेक्ट सूरज वहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी, क्योंकि मैंने ऑटो डोर में भी काम किया हुआ है। आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि ऑटो डोर में मैं टाइल्स लगा रहा हूँ, तो कैसे टाइल्स लगा रहा हूँ, इसी लेज़र लेवल से मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप बाहर भी काम कर सकते हैं लेज़र लेवल से। बस सीधी जहाँ पर धूप पड़ती है, डायरेक्ट जहाँ पर सनलाइट मतलब सीधा सूरज दिखाई देता है, वहाँ पर इसकी लाइन थोड़ी जो है हमें देखने में दिक्कत आती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस लेज़र लेवल की परफॉर्मेंस। तो अभी मैंने इसको अनलॉक पे कर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसकी वर्टिकल लाइन भी ऑन कर लेता हूँ। तो अभी आप जैसे कि देख रहे होंगे वहाँ पर क्रॉस लाइन भी एक आ रही है, नीचे से शुरू हुई हुई है। दरअसल ये फ़र्श जो है ये थोड़ा ख़राब है, पुराना फ़र्श है, तो इसीलिए वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो इसकी लाइट जो है वो बहुत ही बढ़िया लाइट है, आप कहीं से भी लेवल इसका देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये 30 इंच आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 इंच आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पर ढलान है। जैसे कि मैं यहाँ पर लेज़र लेवल देख रहा हूँ तो यहाँ पर तकरीबन ये 29.5 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं से भी आप लेवल चेक कर सकते हैं इसका। अगर हम लेवल पाइप से लेवल करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई सामान रखना पड़ेगा जिस पे कि हम निशान लगाकर फिर लेवल इंची टेप से चेक कर सकते हैं कि फ़र्श कहाँ से ऊंचा है, कहाँ से नीचा है। तो ये अगर आपने एक बार ऑन कर दिया जहाँ पे सेटिंग करके, तो आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपने इसको सेट किया है। तो पूरे कमरे का कहीं से भी आप फ्लोर का लेवल चेक कर सकते हैं।
अभी जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी लाइन जिसकी दिखाई दे रही है, ठीक है, आप वॉल बाउंड्री जो है इसकी उसका भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से ऊंची है कहाँ से नीची है। जैसे यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से चेक करते हैं तो तकरीबन ये 5 पॉइंट से कुछ 2 पॉइंट कुछ कम है, वो mm के हिसाब से है, यानी कि 3-4 mm का फ़र्क है। आप कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और लेज़र लेवल जैसे कि आपको ख़रीदना हुआ फ्रेंड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको ख़रीद सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी गारंटी वारंटी सब कुछ मिलेगा आपको, जैसा कि आपने पहले लेवल में देखा था उसके साथ स्टैंड नहीं था, पर इसके साथ स्टैंड भी है, पर यह है उससे थोड़ा ये कॉस्टली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।